अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 3 का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 द पीपल आई लव का हाफ चैप्टर हम लोगों ने तकरीबन कवर किया था। इसमें हम लोगों ने डायलॉग पढ़ा था, चैप्टर की रीडिंग की थी, चैप्टर के प्री रीडिंग क्वेश्चन, वाइल्ड रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हमने इसमें रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन भी कवर किया था और एंड में हमने ओरल कम्युनिकेशन में लर्निंग द साउंड्स और एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लर्निंग टू स्पीक से स्टार्ट करेंगे। लर्निंग कहते हैं सीखना, स्पीक बोलना। यहाँ पे हम बोलना सीखेंगे। बोलना सीखिए। नंबर वन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस तारुफ करवाएं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ खुद को तारुफ करवाएं। एंड टॉक और बात करें अबाउट योर फैमिली, अपने ख़ानदान के बारे में। बाय द पॉइंट्स गिवन अंडर, नीचे दिए हुए नुकात से मुतल्लिक अपने ख़ानदान के बारे में बात करें और ख़ुद को तारुफ करवाएं। सबसे पहले आपने ख़ुद को तारुफ करवाना है, फिर उसके बाद आपने जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए उनके अकॉर्डिंग अपने फैमिली के बारे में बात करनी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक हैंड की पिक्चर है, एक हाथ की। ये हमारे पास हैंड है, हाथ। हमारे हैंड में कितने फिंगर्स होते हैं? 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं? वो 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, योर नेम। सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है। माई नेम इज डैश, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है नेम्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, अपने ख़ानदान के अफराद के नाम बताने हैं। ये क्वेश्चंस, वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये हम लोग यहाँ पर कवर भी कर चुके हैं। प्री रीडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास, नेम योर फैमिली मेम्बर्स, ये हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। खैर, हम यहाँ फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेम्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यहाँ पर आपने लिखना है माई फादर नेम इज डैश, माई मदर नेम इज डैश, माई सिस्टर नेम इज डैश, माई ब्रदर नेम इज डैश। आपने सबसे पहले अपने फादर का नेम लिखना है, फिर मदर का, फिर अपने सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों के नाम लिखने हैं। अगर बहन भाई आपके ज़्यादा हैं, अगर आपसे बड़े हैं, तो आप लिखेंगे माई एल्डर्स सिस्टर नेम इज़ डैश, माई यंगर सिस्टर नेम इज़ डैश। छोटी हैं तो आप यंगर लिखेंगे, अगर आपसे बड़ी हैं तो आप एल्डर लिखेंगे। इसी तरह भाई अगर आपके ज़्यादा हैं, तो अगर वो आपसे बड़े हैं तो आप एल्डर लिखेंगे, और अगर छोटे हैं तो आप यंगर लिखेंगे। एल्डर की स्पेलिंग है ELDER, एल्डर, और यंगर YOUNGER। देखिए, ये सारे वही वर्ड्स हैं जो कि हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर जिन बच्चों ने रीड किया है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एल्डर और यंगर, ये दोनों वर्ड्स यहाँ पर मेंशन हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर आंसर लिखना है नेम्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स का। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फेवरेट बुक और फूड के बारे में। फेवरेट बुक, माई फेवरेट बुक इज डैश, इसमें आपकी जो फेवरेट बुक है आपने वो लिखना है। और माई फेवरेट फूड डैश, या आप लिख सकते हैं आई लाइक टू ईट, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रूट्स लिख सकते हैं, आप कुछ और लिख सकते हैं, एप्पल, बनाना, राइस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
जो आपको पसंद है आपने वो लिखना है, अपनी फेवरेट बुक लिखनी है, अपना फेवरेट फूड लिखना है। फोर्थ पे हमारे पास तीन चीज़ें दी हुई हैं, पेट, टॉय एंड गेम। यहाँ पे आपने तीनों के बारे में बताना है। अगर आपके पास पेट है, आई हैव अ पेट, यहाँ पे आप लिखें डॉग, कैट, पैरट, जो भी आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपने वो लिखना है और उसका नाम भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास टॉय है, टॉय पे आप लिख सकते हैं आई लाइक टू प्ले विद डैश, यहाँ पे आप अपना टॉय का नेम लिखें। आप कार लिख सकते हैं, आप डॉल लिख सकते हैं, आप लूडो लिख सकते हैं, आप चेस लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपकी फेवरेट गेम है आपने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टॉय है, सॉरी कार, डॉल और इसमें बाकी आपके पास ब्लॉक्स आ सकते हैं, ठीक है। और गेम, गेम में हम लिख सकते हैं आई लाइक टू प्ले, यहाँ पे आपने लिखना है क्रिकेट, फुटबॉल, अब ये लूडो और चेस यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, ठीके? गेम्स है ना, लूडो और चेस हमारे पास इंडोर गेम्स हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपका फेवरेट गेम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास फैमिली रूल्स के बारे में, आपने बताना है फैमिली रूल्स के बारे में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, We respect everyone. We greet everyone. We keep our house neat and clean. We water the plants. We play games. We used to have dinner on time. ठीक है, हम वक्त पर खाना खाते हैं, हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम हर किसी की इज्जत करते हैं, हम हर किसी से उनका हाल पूछते हैं, ग्रीट, सलाम करना, हाल चाल पूछना। वी कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन, हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं। वी वाटर द प्लांट्स, हम अपने घर के पौधों को पानी देते हैं। वी प्ले गेम्स, हम खेलते हैं। ठीक है, इसमें आप अपने फैमिली रूल्स लिखें, कुछ एग्जाम्पल्स आपको सैम्पल्स देखें, कुछ मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, कुछ यहाँ पर आपको पहले से गिवन है। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। नीचे अब हम आते हैं टीचिंग पॉइंट पर। टीचिंग पॉइंट है हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क शोज मूड एंड इमोशंस, ये तो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं ना, ठीक है, कि एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे रीडमी में हमें यही बात बताई गई थी कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्या होते हैं, कि ये मिजाज और जज्बात के बारे में बताता है हमें, ठीक है, उसका इजहार करता है। स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव देयर स्पोकन इंग्लिश, कि स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिस करवाएं कि उनकी जो स्पोकन इंग्लिश है, कि बोलते जब वो है इंग्लिश में, ठीक है, तो ये उनकी बेहतर हो सके। उसके लिए क्या करना है, गिव कॉन्फिडेंस टू द स्टूडेंट्स, आपने अपने बच्चों में हौसला अफजाई, अपने बच्चों की हौसला अफजाई करनी है। टू स्पीक सिंपल सेंटेंसेस, कि वो सिंपल सेंटेंसेस बोले, ठीक है, जब वो सिंपल सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो अल्फाज उनकी ज़बान पर आ जाएंगे और वो आसानी से फ्लुएंटली से इंग्लिश बोल सकेंगे, ठीक है, उनकी स्पोकन इससे बेहतर हो जाएगी। सिंपल इंग्लिश में हमारे पास क्या आ सकता है, देखें आप बच्चों को हाउ आर यू, ठीक है, हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा, आप कैसे हैं। इसके अलावा आप स्कूल में खासकर बच्चों को मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर,
इसके अलावा आप बच्चों को थैंक यू, सॉरी, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है। ये आप इजीली बच्चों को सिखा सकते हैं, सिट डाउन, स्टैंड अप, और इस तरह जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, और ये छोटी छोटी सेंटेंसेस आप बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे उनकी स्पोकन इंग्लिश जो है तो वो बेहतर हो जाएगी। दे मे शेयर देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बच्चों से कहें कि वो अपने पसंद और नापसंद का इजहार करें, लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताएं कि उनको खाने में क्या पसंद है, उनको खाने में कौन सी चीज़ नहीं पसंद, उनको कौन सी बुक पसंद है, कौन सी बुक नहीं पसंद, कौन सा सब्जेक्ट उनका फेवरेट है और कौन सा सब्जेक्ट उनको बोरिंग लगता है, ठीक है। दे मे रेफर टू द डूज एंड डोंट्स मेंशन इन द टेक्स्ट, ये जो पीछे हमारे पास डूज एंड डोंट्स हैं, बच्चों को बताया जाए कि इन पर अमल करें। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नेक्स्ट पेज है हमारे पास 27, रीड अलाउड, रीड पढ़ें, अलाउड ऊंचा, ऊंचा पढ़ें। इस पर हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्सरसाइज है सिंग द पोएम, सिंग कहते हैं गाने को, पोएम है हमारे पास नज़म, इस नज़म को गा के पढ़ें। नज़म पोएम का नेम है हमारे पास फिंगर फैमिली, फिंगर कहते हैं उंगलियां, उंगलियों को कहते हैं, फैमिली कहते हैं ख़ानदान को। ख़ानदान में हमारे पास कौन कौन आते हैं, ख़ानदान में हमारे पास हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे आंटी अंकल वगैरह, ये सब हमारी फैमिली में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें राइट साइड पर आपके पास एक हाथ की पिक्चर दी हुई है, ये हमारे पास एक हैंड है, हाथ है, ठीक है। हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, कितने फिंगर्स होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। आए इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस फिंगर फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन हैं। डैडी फिंगर, डैडी फिंगर, वेयर आर यू, आप कहाँ पर हैं, डैडी फिंगर से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर हैं, डैडी कहते हैं फादर को, ठीक है। क्या आप कहाँ पर हैं, हेयर आई एम, हेयर आई एम, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, वैसे कहते हैं कि आप कैसे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका मतलब ले सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है। डैडी फिंगर से पूछा जा रहा है कि वेयर आर यू, आप कहाँ पर हैं, डैडी फिंगर कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, और आप कहाँ पर हैं या आप कैसे हैं, ये हमारे पास डैडी फिंगर हो गया, ठीक है। जो हमारे पास ये थंब है, ये हमारे पास डैडी फिंगर हो गया है। मम्मी फिंगर, मम्मी फिंगर, वेयर आर यू, अब मदर से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर हैं, हेयर आई एम, हेयर आई एम, हाउ डू यू डू, आप कहाँ पर हैं या आप कैसे हैं, ये हमारे पास मम्मी फिंगर हो गई हैं। थर्ड है हमारे पास ब्रदर फिंगर, ब्रदर फिंगर, वेयर आर यू, ब्रदर कहते हैं भाई को, अब ब्रदर से पूछा जा रहा है, भाई से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर हैं, हेयर आई एम, हेयर आई एम, हाउ डू यू डू। सिस्टर फिंगर, सिस्टर फिंगर, वेयर आर यू, हेयर आई एम, हेयर आई एम, हाउ डू यू डू। बेबी फिंगर, बेबी फिंगर, वेयर आर यू, हेयर आई एम, हेयर आई एम, हाउ डू यू डू। बेबी फिंगर कहते हैं सबसे छोटी उंगली जो हमारी है, ये हमारी स्मॉल फिंगर जो है, इसको बेबी फिंगर हो गई है हमारी, ये ब्रदर फिंगर हो गई और ये हमारे पास सिस्टर फिंगर हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास पोएम है फैमिली फिंगर, इसमें एक फैमिली दिखाई गई है, डैडी है इसमें, मम्मी है, ब्रदर है, सिस्टर है और बेबी है, ठीक है। तो ये हमारी पोएम हो गई है। नीचे आते हैं अब हम साइट वर्ड्स पर। साइट वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं, साइट वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि रीडिंग में बार बार आते हैं, ठीक है, जो सबक की पढ़ाई के दौरान बार बार सामने आते हैं, ठीक है। लर्न टू स्पीक द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली, लर्न सीखें टू स्पीक बोले बोलना, द गिवन वर्ड्स जो दिए हुए अल्फाज हैं, फ्लुएंटली रवानी के साथ इन अल्फाज को बोलना सीखें, ठीक है। ये जो साइट वर्ड्स हैं ये हर चैप्टर में आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। जो आपकी बुक है ये, इसमें आप देखें फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास पेज नंबर 7 पर, ये देखें यहाँ पे हमारे पास साइट वर्ड्स दिए हुए हैं, और उसके बाद सेकंड चैप्टर में हमारे पास पेज नंबर 15 पर नीचे यहाँ पर साइट वर्ड्स दिए हुए हैं,
यहाँ पर सेकंड चैप्टर में हमें कहा गया था कि इसको इंटोनेशन के साथ पढ़ना है। इंटोनेशन क्या है? आवाज़ का उतार चढ़ाव, इसके साथ हमने पढ़ना था इसको। यहाँ पर भी हमें साइट वर्ड्स दिए हुए हैं, आए इसको पढ़ते हैं। हैप्पी खुश, होम घर, हाउस, हाउस भी घर को कहते हैं, मकान को भी कह सकते हैं, ठीक है। होम घर है, हाउस हमारे पास मकान घर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। स्किल है हमारे पास महारत या हुनर, ठीक है। ये हमारे साइट वर्ड्स हो गए हैं। उसके बाद हम आते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाले पोर्शन पर। ये वाला पोर्शन हम पहले कवर कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, इससे जो पिछली वीडियो है इस प्लेलिस्ट की फिफ्थ वीडियो, उसमें हम ये कवर कर चुके हैं। ये चैप्टर थ्री का रिमेनिंग पोर्शन हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, उससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हम ये कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लैंग्वेज फोकस का। लैंग्वेज कहते हैं ज़ुबान को, फोकस कहते हैं तवज्जो को, ज़बान पे तवज्जो। वोकैबलरी बिल्डिंग कहते हैं अल्फाज की ज़खीरा अंदोज़ी को। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़ें विद देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग्स के साथ, उनके मानी के साथ। राइट सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स, और जो वर्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे जो गिवन वर्ड्स हैं इनके सिलेबल्स भी हम लोगों ने देखने हैं। सिलेबल्स क्या हैं हमारे पास? सिलेबल्स हमारे पास किसी एक लफ्ज़ में मुख्तलिफ आवाज़ों का होना, मुख्तलिफ जब हम वर्ड को तोड़ के पढ़ते हैं, बीट बाय बीट उसको पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग सिलेबिक डिवीजन कहते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स सिलेबिक डिवीजन मीनिंग्स, यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे उनकी सिलेबिक डिवीजन हमने करनी है और यहाँ पे मीनिंग दिए हुए हैं। वेकेशन, वेकेशन में आप देखें हमारे पास थ्री सिलेबल्स हैं। वेकेशन, वेकेशन कहते हैं हॉलीडेज को, छुट्टियों को। ऑफिशियल हॉलीडेज कहते हैं जो सरकारी छुट्टियां होती हैं, ठीक है। ऑफिशियल सरकारी हॉलीडेज छुट्टियां। सेकंड वर्ड है हमारे पास प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कहते हैं हिफाजत को। टू सेव समवन फ्रॉम हार्म, कि किसी की हिफाजत की जाए हार्म, किसी नुकसान से या किसी खतरे से। थर्ड है हमारे पास इम्पॉर्टेंट, इसमें हमारे पास थ्री सिलेबल्स हैं, इसमें भी हमारे पास थ्री सिलेबल्स थे। इम्पॉर्टेंट है नेसेसरी, ज़रूरी। ग्रेट वैल्यू या जिसकी बहुत अहमियत हो, ठीक है, अहमियत। फोर्थ वर्ड है हमारे पास स्ट्रेंजर्स, इसकी सिलेबिक डिवीजन देखते हैं। स्ट्रेंजर्स, इसमें हमारे पास टू सिलेबल्स हैं, ठीक है। स्ट्रेंजर्स किसको कहते हैं? ये हमने पीछे पढ़ा भी है चैप्टर की रीडिंग में, अजनबी को कहते हैं। पीपल होम वी डोंट नो, ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लर्निंग टू स्पेल। यहाँ पे हम स्पेलिंग सीखेंगे। गिवन बिलो आर टू बॉक्सेस विद मैचिंग सिलेबल्स, गिवन बिलो आर टू बॉक्सेस, नीचे हमारे पास दो बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये हमारे पास ए बॉक्स हो गया, ये हमारे पास बी बॉक्स हो गया, विद मैचिंग सिलेबल्स। और इन दोनों बॉक्सेस में हमारे पास मैचिंग सिलेबल्स दिए हुए हैं, कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सिलेबिक डिवीजन पढ़ी है, वैसे ही इसको आप स्ट्रेंजर्स को देखें कि स्ट्रेन का वर्ड जो है तो वो एक कॉलम में दे दिया है, और जर्स का जो वर्ड है तो ये हमारे पास दूसरे कॉलम में आ गया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वर्ड को उसके दो सिलेबल्स में डिवाइड करके एक को ए कॉलम में और एक को बी कॉलम में दिया हुआ है। Join the syllables to complete, syllables to complete the words. अब हमने इन दोनों को मिलाना है ताकि हमारे पास एक वर्ड बनकर आए। Write these in the given box. और यहाँ पे हमारे पास जो राइट साइड पे बॉक्स दिया हुआ है, जब हम इसको कॉलम को मैच कर लेंगे तो जो वर्ड हमारे पास बन के आएगा वो हमने यहाँ पर कॉलम में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको इधर बॉक्स में लिखना है। रीड मी में पढ़ते हैं, द वर्ड हैप्पी हैज टू सिलेबल्स, हमारे पास जो हैप्पी का वर्ड है इसमें हमारे पास दो सिलेबल्स हैं, हैप्पी, ठीक है। आइए इसको करते हैं। माउन, ये हमारे पास है माउन,
इसको अब हम मिलाते हैं, माउंटर ये वर्ड नहीं बन रहा हमारे पास, माउंटनेस ये भी नहीं बन रहा, माउंसन ये भी नहीं बन रहा, माउंटेन, माउंटेन हमारे पास वर्ड है, माउंटेन किसको कहते हैं, पहाड़ को, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको मिला लेंगे। सेकंड है हमारे पास डार्क, डॉक्टर ये हमारे पास वर्ड नहीं बन रहा, डार्कनेस, डार्कनेस कहते हैं अंधेरे को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेट, लेटर, लेटर ये हमारे पास एक वर्ड बन रहा है, लेटर कहते हैं खत को, ग्राम, अब ये हमारे पास हो गया है, ये भी हमने कर लिया है, ये रह गया है ग्रामसन, ये हमारे पास वर्ड नहीं बन रहा, तो हम इसको लास्ट के साथ मैच करके पढ़ेंगे, ग्रामर, ग्रामर कहते हैं ग्रामर को, ठीक है, जो हमारी इंग्लिश की उर्दू की ग्रामर होती है उसको कहते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है पर, सारे हो गए हैं, सॉरी इसको हमने नहीं मिलाया, पर अब हमारे पास एक ही रह गई है, पर्सन, पर्सन कहते हैं किसी शख्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड्स बन गए हैं। अब जो आपने इनको मैच किया है उन वर्ड्स को आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे माउंटेन, तो हम इनको यहाँ पे लिख लेंगे माउंटेन। सेकंड था हमारे पास डार्कनेस, थर्ड था हमारे पास लेटर, फोर्थ था हमारे पास ग्रामर, और फिफ्थ था हमारे पास पर्सन। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास ग्रामर का। ग्रामर में हम कॉन्ट्रैक्शंस का टॉपिक पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं सुकड़ाओं को। इंग्लिश ग्रामर में कॉन्ट्रैक्शंस हम कहते हैं जब हम किसी वर्ड को शॉर्ट करके पढ़ते हैं, जैसे यू आर को हम लोग यू आर कह के लिखें या उसको हम प्रोनाउंस करें, ठीक है। जिस तरह हमारे पास हैज़ है, तो हैज़ की कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास अपोस्ट्रोफी एस आ जाती है, और हैव की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास अपोस्ट्रोफी वी ई आ जाती है, ठीक है। इसको हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं जब हम हैज़ की जगह अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करें और हैव की जगह हम अपोस्ट्रोफी वी ई यूज़ करें। या जैसे आपने यहाँ पे देखा आर की कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास क्या आई है कि हमने अपोस्ट्रोफी आर ई लिख दी है, ठीक है। यू आर इसको हमने कॉन्ट्रैक्शन में यू आर लिख दी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की इस बुक में फर्स्ट टाइम जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने फर्स्ट चैप्टर में एक पोएम पढ़ी थी, इफ़ यू आर हैप्पी, इसमें हमने यू आर का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, जहाँ जो मैंने भी यहाँ पे आपको बताया यू आर का, हमने यू आर इसका हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, ये पेज नंबर 6 पर है। और उसके बाद हमने इस बुक में इसी चैप्टर नंबर 3 में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें पेज नंबर 25 पे हमने हैव और हैज़ के कॉन्ट्रैक्शन एक दफ़ा पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। Write the following statements using contractions. हमारे पास नीचे कुछ statements दिए हुए हैं, कुछ जुमले दिए हुए हैं, हमने उनको लिखना है contractions apply करने के बाद। An example is given to help you. हमारे पास एक example दी हुई है जो first वाली है, वो solve हो चुकी है ताकि हमारी help हो सके। Read me को देखते हैं। Have is used with I, we, you, they. Have हमारे पास कहाँ use होगा, जहाँ पर सेंटेंस के स्टार्ट में आई वी यू या दे आएगा। हैज कहाँ पे यूज होगा, इज यूज्ड विद ही शी इट, ठीक है, या हमारे पास इसमें सिंगुलर नेम भी आता है। तो हैज और हैव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होगा, हैव का इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ पर सेंटेंस के स्टार्ट में आई वी यू दे आएगा, और हैज़ का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, जहाँ पर लाइन सेंटेंस के स्टार्ट में ही शी और इट यूज़ होगा। इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए इसको पढ़ते हैं। आई हैव ईटन एन एप्पल, मैंने सेब खा लिया है। आई हैव, यहाँ पे हमने उसको लिखा है आई हैव ईटन एन एप्पल, इसको आप देखें आई को हमने एज इट इज़ लिख लिया है, और हैव के कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमने इसको
apostrophe V-E लिख दिया है. We have liked the game. हमने खेल पसंद किया है. We have, यहाँ पे हमने इसकी contraction apply करने के बाद हमने इसको लिखा है we have liked the game. We हमने as it is लिख लिया है और have की जगह हमने apostrophe V-E लिख लिया है. थर्ड है हमारे पास यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है. इसको हमने कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करने के बाद लिखा है यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है. इसको हमने कॉन्ट्रैक्शन में लिख लिया है. नेक्स्ट है हमारे पास दे हैव गॉन होम, वो घर जा चुके हैं. इसमें जब हमने कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई किया तो उसके बाद ये हमारे पास दे हैव आ गया, ठीक है, दे हैव. और यहाँ पे हमारे पास दे हैव गॉन होम, वो घर जा चुके हैं. लास्ट है हमारे पास ही हैज़ रिटन अ लेटर, उसने खत लिखा है. और कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही इज़ रिटन अ लेटर, उसने खत लिखा है. अब यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट फोर है हमारे पास उसमें हैव यूज हुए हैं क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में आई वी यू और दे आए हैं तो हमने हैव यूज़ किया है. और यहाँ पर अब हैज़ आया है तो इसलिए आया है क्योंकि स्टार्ट सेंटेंस के स्टार्ट में ही है, ठीक है. आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका करते हैं. राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस. हमने इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस. नेगेटिव कहते हैं मनफी जुमलों को. हमने अब यहाँ पर नॉट का यूज़ करना है हैव और हैज के साथ. एन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू, हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है सॉल्व ताकि हमारी हेल्प हो सके. आइए इसको स्टार्ट करते हैं. आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल, मैंने सेब नहीं खाया है. आई हैव नॉट, अब आई तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा लेकिन हैव नॉट का हम कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे जो कि हमारे पास आएगा हैवेंट, ठीक है, एच ए वी ई एन और एन के बाद अपोस्ट्रोफी और फिर टी लगेगा, ठीक है. आई हैवेंट ईटन एन एप्पल. नेक्स्ट है हमारे पास वी हैव नॉट लाइक द गेम, हमने खेल को पसंद नहीं किया है. इसकी कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास आएगी वी हैवेंट लाइक द गेम. यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना काम ख़त्म नहीं किया है. इसकी कॉन्ट्रैक्शन आएगी हमारे पास यू हैवेंट फिनिश्ड योर वर्क. नेक्स्ट है हमारे पास दे हैव नॉट गॉन होम, वो घर नहीं गए हैं. दे हैवेंट गॉन होम. नेक्स्ट है शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, उसने ख़त नहीं लिखा है. शी हैज़न्ट रिटन अ लेटर, अब यहाँ पे आप देखिए हैज़ है तो एच ए एस और नॉट को हमने कॉन्ट्रैक्शन में एन के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के टी लगाया है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास शी हैज़ नॉट टेकन पार्ट इन अ गेम, उसने खेल में हिस्सा नहीं लिया है. शी हैज़न्ट टेकन पार्ट इन अ गेम. लास्ट है हमारे पास इट हैज़ नॉट फ्लोन अवे, ये उड़ा नहीं है. अब इट है शी और ही, इनके साथ हमारे पास हैज़ आए हैं, ठीक है. इट हैज़न्ट फ्लोन अवे, ये उड़ा नहीं है. अब यहाँ पे आप देखिए आई वी यू दे के साथ हैव यूज़ हुआ है, ही शी और इट के साथ हैज़ यूज़ हुआ है, ठीक है. टीचिंग पॉइंट देखते हैं. प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस की मश्क करें इन द क्लास, क्लास में. एंड इनकरेज और हौसला अफजाई करें स्टूडेंट्स तलबात की टू आंसर सिंपल क्वेश्चंस, कि वो सिंपल क्वेश्चंस के आंसर दें. अब ये इस पेज पे जो 29 पेज है इसमें हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े ये हमारे पास सारी सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है. दिस विल इनेबल देम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ्स फ्लुएंटली, ये उनकी मदद करेगा, इनेबल उनको इस चीज़ के काबिल बनाएगा, इनेबल काबिल बनाना टू एक्सप्रेस देमसेल्फ्स फ्लुएंटली, कि वो खुद का देमसेल्फ्स अपना खुद का इजहार कर सकेंगे रवानी के साथ, ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नंबर 3, रिस्पॉन्ड टू सिंपल इंस्ट्रक्शंस. रिस्पॉन्ड जवाब दें टू सिंपल इंस्ट्रक्शंस, सादा हिदायत एंड डायरेक्शंस और अतराफ या रुख. जवाब दें दिए हुए हिदायत और अतराफ और रुख के मुताबिक. फॉलो इंस्ट्रक्शंस, दिए हुए हिदायत को माने. एंड डायरेक्शंस और अतराफ या रुख एट द एंड ऑफ द पिक्चर, इन तस्वीर के आखिर में जो हिदायत और अतराफ आपको बताए जा रहे हैं उसको माने. एंड कंप्लीट द टास्क, टास्क काम को कहते हैं. कंप्लीट मुकम्मल करना.
और दिए हुए काम को मुकम्मल करें। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं और उसके बाद नीचे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। हमने इन इंस्ट्रक्शंस को मानना है और इनको फॉलो करना है। देखते हैं हमें इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या बताया जा रहा है। नंबर ए है हमारे पास पुट अ सर्कल। सर्कल हमारे पास कौन सी शेप होती है? ये शेप हमारे पास सर्कल की होती है, ठीक है, जिसको हम गोल दायरा कहते हैं, दायरा। पुट अ सर्कल अराउंड द चेरीज, कि चेरीज के इर्द गिर्द एक सर्कल ड्रॉ करें एंड कलर देम रेड, और उनको रेड कलर दे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन फ्रूट्स में हमारे पास चेरीज कौन सी हैं। ठीक है, ये हमारे पास चेरीज हैं? नहीं, ये हमारे पास चेरीज नहीं है। ठीक है, ये चेरीज हैं? नहीं। क्या ये हमारे पास चेरीज हैं? नहीं। क्या ये हमारे पास चेरीज हैं? हाँ, ये हमारे पास चेरीज हैं। ठीक है, इन चेरीज के इर्द गिर्द हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और फिर इन चेरीज को हमने रेड कलर देना है। ठीक है, ये हमारे पास रेड कलर है। ठीक है, हमने इन चेरीज को रेड कलर देना है। ठीक है, आप इनको अच्छे से कलर करें और इसके लीव को हम लोग ग्रीन कलर कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ग्रीन हो गया और रेड को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं बी पर। पुट अ स्क्वायर अराउंड द एप्पल। अब हमने एप्पल को ढूंढना है और उसके इर्द गिर्द हमने स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर हमारे पास कौन सी शेप होती है? स्क्वायर हमारे पास ये वाली शेप होती है। ठीक है, अब हमने एप्पल के इर्द गिर्द स्क्वायर ड्रॉ करना है एंड कलर इट ग्रीन, और फिर हमने एप्पल को ग्रीन कलर करना है। ठीक है, अब हमारे पास एप्पल कौन सा है इसमें? एप्पल हमारे पास ये है। ठीक है, हम एप्पल के इर्द गिर्द स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ग्रीन कलर करेंगे हम उनको। ग्रीन ये हमारे पास कलर है, इसको हम ग्रीन करेंगे। ये हमारे पास ग्रीन हो गया, इसका लीफ भी हम ग्रीन कलर कर देंगे। पत्ते हमारे पास ग्रीन होते हैं ना। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या था? बी हमारे पास था कि पुट अ स्क्वायर अराउंड द एप्पल एंड कलर इट ग्रीन, के एप्पल के स्क्वायर ड्रॉ करें और उसको ग्रीन कलर करें। ये हमारे पास हो गया। अब सी देखते हैं हम। सी है हमारे पास ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द लेमन टू द स्ट्रॉबेरी। लाइन हमारे पास कौन सी शेप होती है? लाइन हमारे पास ये होती है। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द लेमन टू द स्ट्रॉबेरी। अब हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम लेमन टू स्ट्रॉबेरी। लेमन हमारे पास क्या होता है? लेमन हमारे पास है नींबू और स्ट्रॉबेरी। हमने लेमन और स्ट्रॉबेरी के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करनी है। इनमें से लेमन कौन सा है? लेमन हमारे पास ये है और स्ट्रॉबेरी हमारे पास ये है। तो हमने लेमन से लाइन स्टार्ट करनी है और स्ट्रॉबेरी तक लेकर जानी है। ठीक है, सी हमारे पास हो गया। अब हम डी देखते हैं। डी है कलर फोर ऑफ ग्रेप्स पर्पल एंड थ्री ऑफ ग्रेप्स ग्रीन। हमने कलर करना है ग्रेप्स को। ग्रेप्स हमारे पास ये हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेप्स हैं, ये हमारे पास अंगूर हैं। इनमें से हमने पर्पल कलर करना है चार ग्रेप्स को। फोर ग्रेप्स को हमने पर्पल कलर करना है और थ्री ग्रेप्स को हमने ग्रीन कलर देना है। ठीक है, हमारे पास पर्पल कलर कौन सा होता है? ये हमारे पास पर्पल कलर है। अब हम इसमें से फोर को पर्पल कलर करेंगे और हम थ्री इसको ग्रीन कलर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा कंप्लीट हो गया? ये हमारे पास डी पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं ई पॉइंट पर। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द पियर टू पीच। अब हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम द पियर टू पीच। पियर हमारे पास होती है नाशपाती, पीच है हमारे पास आड़ू। अब आप इनमें से नाशपाती को ढूंढें। ये हमारे पास नाशपाती है पियर और ये हमारे पास पीच है। हमने लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन हमारे पास ये है। हमने लाइन ड्रॉ करनी है पियर से पीच तक। तो ये हमारे पास
ई पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं एफ पर। एफ है हमारे पास कलर द पीच एनी कलर यू वांट। पीच हमारे पास है आड़ू, कि आड़ू को, पीच को आप जौन सा कलर भी देना चाहते हैं आप वो दे दें। कलर द पीच के पीच में रंग भरें, एनी कलर कोई सा भी रंग यू वांट जो कि आप चाहते हैं। हम इसमें ये ऑरेंज कलर दे देते हैं। और इसके लीफ को हम, पत्ते को हम ग्रीन कलर दे देते हैं। ये हमारे पास एफ पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जी का, कलर द स्ट्रॉबेरी रेड। अब हमने स्ट्रॉबेरी ढूंढनी है और उसको हमने रेड कलर देना है। स्ट्रॉबेरी हमारे पास ये है जिसको हमने लेमन के साथ लाइन से जोड़ा था, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी को हमने रेड कलर देना है। ये हमारे पास रेड कलर है। ये हमारे पास जी पॉइंट कंप्लीट हो गया है। हमने स्ट्रॉबेरी में रेड कलर भर दिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एच। एच है हमारे पास कलर द लेमन येलो एंड ब्रोकली ग्रीन। कलर द लेमन येलो, ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन हो गई है कि हमने लेमन में, हमने नींबू में पीला रंग भरना है, येलो रंग भरना है, ठीक है। ये हमारे पास येलो कलर हो गया है। अब हम इसको लेमन में भरेंगे। ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। एंड ब्रोकली ग्रीन, ठीक है, और हमने ब्रोकली को ग्रीन कलर देना है। ब्रोकली हमारे पास एक वेजिटेबल है, ये है, ठीक है, ब्रोकली, इसमें हमने ग्रीन कलर भरना है। ठीक है, ये हमारे पास ब्रोकली कलर हो गई है और ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर एच कंप्लीट हो गया है। अब हम आई को पढ़ेंगे। कलर द पियर अ लाइट ग्रीन। अब हमने पियर नाशपाती में लाइट ग्रीन कलर भरना है। पियर हमारे पास कौन सा है? पियर हमारे पास ये है। अब हम इसमें लाइट ग्रीन कलर भरेंगे। और इसकी लीफ को हम डार्क ग्रीन कलर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आई इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। और लास्ट जे है हमारे पास, ड्रॉ अ ब्लू सर्कल अराउंड योर फेवरेट फ्रूट, कि आप अपने पसंदीदा फल के इर्द गिर्द गोल दायरा दायरा शेप डालें, ठीक है, जो आपने सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है आपने अपने फेवरेट फ्रूट के इर्द गिर्द, ठीक है। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है आप उसके अराउंड सर्कल ड्रॉ करें। मैं अपने फेवरेट फ्रूट के अराउंड सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लासिफाई द जेंडर। क्लासिफाई कहते हैं दर्जाबंदी करने को, या ग्रुप बंदी को, या तकसीम को। क्लासिफाई द जेंडर के तकसीम करें, दर्जाबंदी करें या ग्रुप बंदी करें जिन्स की बिना पर। जिन्स हमारे पास क्या है? जिन्स हमारे पास किसी भी लिविंग बींग का मेल या फीमेल होना है, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं। Given below are mixed nouns. हमारे पास नीचे कुछ mixed nouns दिए हुए हैं। Noun हमारे पास क्या है? Noun हमारे पास naming word है। Naming word, noun की definition हमारे पास क्या है? Name of any place, thing or person. ठीक है, ये हमारे पास कुछ nouns दिए हुए हैं नीचे। Put them under the columns A, B, C. अब हमने इन mixed nouns को, ये जो हमारे पास word bank दिया हुआ है, इनमें से हमने noun उठाने हैं और हमने ए बी या सी कॉलम में उनको लिखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ओ ए कॉलम किस, ए कॉलम में क्या आता है, बी कॉलम में क्या आता है और सी कॉलम में हमारे पास क्या आता है। ए कॉलम जो है हमारे पास मैस्कुलिन रिलेशंस है, ये हमारे पास मेल रिलेशन है जिसको हम उर्दू में मुजक्कर कहते हैं, ठीक है। बी में हमारे पास फेमिनिन रिलेशंस हैं जो कि हमारे पास फीमेल रिलेशंस हैं जिनको हम उर्दू में मौनस कहते हैं। और सी में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, या तो चीजें आएंगी, अशिया, या हमारे पास न्यूटर। न्यूटर किसको कहते हैं?
ये हमारे पास रीडमी में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, When a word does not show male or female gender, जब कोई ऐसा वर्ड हमारे पास आए जो कि ना ही मेल कैटेगरी में फॉल करता हो और ना ही फीमेल कैटेगरी में, तो उसको हम न्यूटर कहते हैं. इट इज़ न्यूटर जेंडर. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, चिकन, शेप, डिशेज. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है हमारे पास, तो डॉक्टर वर्ड जब हम कहते हैं तो ये किसी मेल या फीमेल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि ये एक स्पेसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें मेल भी आते हैं और जिसमें फीमेल भी आते हैं. इसी तरह हमारे पास चिकन है, शिप हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और डिशेज भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में आते हैं. आई एम वर्ड बैंक से हम स्टार्ट करते हैं. आंट, आंट हमारे पास कहते हैं चाची को, चच्ची को, ठीक है, तो ये हमारे पास फेमिनिन रिलेशन में आएंगी. नेक्स्ट है हमारे पास ब्रदर, ब्रदर भाई को कहते हैं, ये हमारे पास मैस्कुलिन रिलेशन में आ रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास नेफ्यू, नेफ्यू कहते हैं भांजे को, ठीक है, नेफ्यू हमारे पास मैस्कुलिन रिलेशन है. नेक्स्ट है हमारे पास नीस, नीस हमारे पास भांजी है, ठीक है, तो ये हमारे पास फेमिनिन रिलेशंस में फॉल करती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बेड्स, बेड्स किसको कहते हैं, बिस्तर को, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में आएगा. बुक्स, बुक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में फॉल करेगा. फादर, फादर हमारे पास मैस्कुलिन रिलेशन में फॉल करेंगे. डॉटर, डॉटर फीमेल रिलेशन है, तो ये हमारे पास फेमिनिन रिलेशंस में फॉल करेंगी. अंकल, यहाँ पे आंटी चच्ची है, तो ये हमने फेमिनिन रिलेशंस में लिखी है, और अंकल जो है चच्चा, ये हमारे पास मैस्कुलिन रिलेशन में आ रहे हैं, ठीक है. कजन, अब कजन क्या है, कजन कहते हैं चच्चा और ताया के बच्चों को, ठीक है, इस तरह फूफो, खाला, इन सब के बच्चों को हम कज़न, कज़न्स कहते हैं. तो कज़न्स में हमारे पास लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो ये हमारे पास एक न्यूटर वर्ड है, ठीक है, इसमें मेल फीमेल दोनों फॉल कर रहे हैं, तो हम इसको न्यूटर में लिखेंगे कज़न. प्रिंस, प्रिंस कहते हैं शहजादे को, ये हमारे पास मैस्कुलिन रिलेशन में आ रहे हैं. सन, सन कहते हैं बेटे को. हॉर्स, हॉर्स हमारे पास मैस्कुलिन रिलेशन में आते हैं, ठीक है, इसकी हमारे पास फेमिनिन रिलेशन है इसकी, ठीक है, हमारे पास इसकी मोनस है, ये मुजक्कर है, ठीक है. चिकन, चिकन हमारे पास, ये चिकन हमने ऊपर पढ़ा भी है, ये न्यूटर में फॉल करता है, ठीक है. मदर, मदर हमारे पास फेमिनिन में फॉल करती हैं. ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हमारे पास मैस्कुलिन में फॉल कर रहे हैं. सिस्टर, सिस्टर हमारे पास फीमेल में फॉल कर रही हैं. डॉक्टर, डॉक्टर हमारे पास न्यूटर वर्ड है. बोट, बोट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बोट कहते हैं किश्ती को, ठीक है. हेन, हेन हमारे पास फेमिनिन में फॉल कर रही है, ठीक है. गूज, गूज हमारे पास एक बर्ड है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट न्यूटर में आएंगी. और मेयर, मेयर जो है ये हमारे पास हॉर्स की फेमिनिन रिलेशन है, ठीक है, इसकी मोनस है, हॉर्स की मोनस है मेयर, ठीक है. तो हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे राइटिंग. राइटिंग कहते हैं लिखने को. लर्निंग टू राइट, राइट लिखना, लर्निंग टू राइट लिखना सीखिए, ठीक है. इंस्ट्रक्शंस हमें कुछ हिदायत दी हुई है नीचे. राइट द डायरेक्शंस, डायरेक्शंस अतराफ या रुख को कहते हैं. दैट लीड, जो कि ले जाती है, टू योर होम फ्रॉम द स्कूल मेन गेट, के डायरेक्शंस लिखें जो कि आपको अपने स्कूल के मेन गेट से अपने घर तक ले जाती है. You may take help from some of the signs, कि आप help, मदद ले सकते हैं some of the signs, कुछ इशारों से. Shown in the chart and vocabulary help, ये आपके पास chart दिया हुआ है, ठीक है, ये chart हो गया.
और ये हमारे पास वोकेबलरी हेल्प हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ साइंस हैं, हमने इन साइंस की मदद से अपने स्कूल के मेन गेट से घर तक का रास्ता लिखना है। ठीक है, शेयर इट विद द क्लास और अपने क्लास के साथ इसको शेयर करना है। वोकेबलरी हेल्प हम देखते हैं, टर्न लेफ्ट और राइट, वॉक स्ट्रेट, क्रॉस द रोड, डोंट क्रॉस द रोड, के टर्न लेफ्ट बाएं मुड़े, दाएं मुड़े, वॉक स्ट्रेट सीधा चलते रहें, क्रॉस द रोड रोड को क्रॉस करें, डोंट क्रॉस द रोड रोड को क्रॉस मत करें, कंटिन्यू वॉकिंग चलते रहें, एंटर द स्ट्रीट गली, गली या स्ट्रीट में दाखिल हों, टर्न लेफ्ट बाएं मुड़े, राइट दाएं मुड़े, फ्रॉम सेकेंड थर्ड एट्सेट्रा स्ट्रीट गली या दूसरी तीसरी गली से दाएं या बाएं मुड़ने, दाएं या बाएं मुड़ने की हिदायत दी हुई है। कलर ऑफ द हाउस गेट, ठीक है, हमने इन सब की हेल्प से स्कूल के मेन गेट से अपने घर तक का रास्ता लिखना है। ये हमारे पास चार्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ साइंस हैं, ये हमारे पास लेफ्ट का साइन है, ये राइट का है, ये हमारे पास स्ट्रेट का है, ये हमारे पास डबल रोड का साइन है, ये हमारे पास यू टर्न का साइन है, ये हमारे पास एक तो रोड सीधी जा रही है, दूसरी लेफ्ट साइड को मुड़ रही है, यहाँ पर भी रोड सीधी जा रही है, एक यहाँ पर राइट को मुड़ रही है, और यहाँ पे हमारे पास राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे रोड जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रास्ता तंग है। ठीक है, ये जो साइन है तो ये नैरो रोड का साइन है। ठीक है, कि आगे को अगर यहाँ से गाड़ी जा रही है तो आगे से रास्ता है वो थोड़ा सा तंग है, ये नैरो रोड का साइन है। अब हमने डायरेक्शन लिखनी है अपने स्कूल के मेन गेट से घर तक के। ठीक है, रास्ता लिखना है हम लोगों ने कि हम लोग स्कूल के मेन गेट से वापसी पे घर कैसे जाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए सैंपल लिखा हुआ है, आपने अपने अकॉर्डिंग अपने स्कूल के मेन गेट से अपने घर तक का रास्ता फिर लिखना है। ठीक है, डायरेक्शंस टू माय होम, मेरे घर तक का रास्ता, फर्स्ट है मेरे पास वॉक स्ट्रेट के सीधे चलना है, फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द स्कूल के मेन गेट से सीधे चलना है, टर्न राइट फिर हम दाएं मुड़ना है, ऑन द रोड रोड पर टू द मॉस्क मस्जिद की तरफ। ठीक है, मेरे स्कूल के पास मस्जिद है तो मैंने वो मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। मैं जब स्कूल के गेट से निकलती हूँ तो मैं स्ट्रेट जाती हूँ, फिर राइट साइड पे मॉस्क आता है, मस्जिद आती है। ठीक है, फिर टर्न टू लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द, सॉरी ये मॉस्क है, फिर मस्जिद के बाई कॉर्नर में मस्जिद के कॉर्नर से मैं बाई मुड़ जाती हूँ, फिर फोर्थ पे है गो स्ट्रेट, मैं सीधे चलती रहती हूँ, फिफ्थ है मेरे पास एंटर द स्ट्रीट, फिर मैं गली में दाखिल हो जाती हूँ, और लास्ट है मेरे पास द थर्ड हाउस ऑन लेफ्ट साइड, कि सेकेंड स्ट्रीट में जो लेफ्ट साइड पे तीसरा घर है विद ग्रीन कलर गेट, और तीसरा घर जिसके गेट का कलर ग्रीन है इज माय हाउस, वो मेरा घर है। ठीक है, तो मैं जब स्कूल से निकलती हूँ तो मैं स्ट्रेट जाती हूँ, फिर मैं राइट मुड़ जाती हूँ, वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद के कॉर्नर से मैं लेफ्ट मुड़ जाती हूँ, फिर मैं स्ट्रेट चलती रहती हूँ, फिर मैं सेकेंड स्ट्रीट में मुड़ जाती हूँ, एंटर करती हूँ, और फिर मैं सेकेंड स्ट्रीट का जो थर्ड घर है लेफ्ट साइड पर जिसके गेट का कलर ग्रीन है वो मेरा घर है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कवर हो गया, आप नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्रिएटिव राइटिंग। अब यहाँ पर हम लोग राइटिंग सीखेंगे कि राइटिंग हमने कैसे करनी है। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो गाइडेड पैराग्राफ राइटिंग है। गाइडेड पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है? गाइडेड पैराग्राफ राइटिंग हमारे पास ये है कि हमारे पास ऑलरेडी एक पैराग्राफ दिया होता है। ठीक है, या हमारे पास दो तीन पैराग्राफ दिए हुए होते हैं और उन दो तीन पैराग्राफ की मदद से हम लोग एक दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है, बानो हैज डिस्क्राइब्ड हर हैप्पी होम, कि बानो ने, हमने पीछे चैप्टर पढ़ा है कि उसने अपने हैप्पी होम को डिस्क्राइब किया है, बयान किया है, एंड फैमिली इन द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट, कि यूनिट में उसने अपने फैमिली को और अपने हैप्पी होम को डिस्क्राइब किया है। शी डिस्कस्ड द टॉपिक्स, उसने मंदरजा ज़ैल जो टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस किया था। फर्स्ट टॉपिक था हर फैमिली एंड द प्लेस शी लिव्स इन, उसका ख़ानदान और वो जगह जहाँ वो रहती है। सेकेंड टॉपिक था हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ रूम्स एंड हर ड्यूटीज़, कि उसकी जिम्मेदारियाँ और उसके कमरों की जो डिस्क्रिप्शन थी हमारे पास वो उसने बयान की हुई थी। थर्ड टॉपिक में डूज एंड डोंट्स शी हैज़ टू फॉलो एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। थर्ड पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि उसके वालिदैन और उसके दादा दादी की हिदायत के मुताबिक जो काम उसने करने हैं और जो नहीं करने। ठीक है, ये हमारे पास तीन पैराग्राफ थे, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना।
ये अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पीछे जाएं, नेक्स्ट इससे जो पिछली वीडियो है उसमें इसको पढ़ें। ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ था, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि राइट अ पैराग्राफ फॉलोइंग द टॉपिक्स डिस्कस्ड बाय बानो। अब हमने इन तीनों टॉपिक्स को मर्ज कर इकट्ठा करके एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, आइए इसको हम लोग कवर करते हैं। गाइडेड पैराग्राफ राइटिंग, बानोज हैप्पी होम। बानो लिव्स इन अ स्मॉल हाउस विद हर फैमिली, कि बानो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहती है। शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन के साथ रहती है, सिबलिंग्स बहन भाइयों के साथ, एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स और उसके दादा दादी के साथ। हर पेरेंट्स टेक गुड केयर ऑफ देम, उसके वालिदैन उनका ख्याल रखते हैं। हर हाउस हैज थ्री रूम्स, उसके घर में तीन कमरे हैं, अ किचन एक किचन है एंड अ फैमिली रूम और एक खानदान का कमरा है। बानो ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन, बानो हर किसी की इज्जत करती है एट होम घर में। शी नेवर लीव हर होम विदाउट परमिशन, और वो कभी भी बगैर इजाजत अपने घर से बाहर नहीं निकलती। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास तीन टॉपिक्स दिए हुए थे यहाँ पर, लेकिन हमने उससे क्या किया है, हमारे पास गाइडेंस थी ना, ये हमारे पास गाइडेंस दी हुई है, हमें एक रास्ता दिखाया गया है। ठीक है, कि आपने किस चीज़ को फॉलो करना है, और उसको फॉलो करने के बाद हमने इन तीन टॉपिक से एक पैराग्राफ बना के लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रोजेक्ट। ये अब हमारे पास इस बुक में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है हमारे पास। कलेक्टिंग बर्थडे डेट्स, बर्थडे क्या कहते हैं, पैदाइश के दिन को। कलेक्टिंग इकट्ठे करें, बर्थडे डेट्स पैदाइश के दिन को ऑफ द फैमिली मेंबर्स, के अपने खानदान के जितने भी अफराद हैं उन सबके पैदाइश के दिन को इकट्ठे करें, उनकी बर्थडेज को इकट्ठी करें। फाइंड आउट, मालूम करें, एंड फिल इन द मंथ्स एंड डेट्स फॉर द बर्थडेज ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, की मालूम करें और फिल करें। यहाँ पे आपने नेम्स लिखने हैं, फिर आपने मंथ्स लिखने हैं और डेट्स भी लिखनी है। फॉर द बर्थडेज ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, अपने खानदान के अफराद के मंथ्स और डेट्स लिखनी है। इन द टेबल गिवन बिलो, जो नीचे आपको टेबल दिया हुआ है, अ कैलेंडर इज शोन फॉर इंफॉर्मेशन, और एक कैलेंडर भी दिया हुआ है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, मालूमात के लिए हमारे पास ये कैलेंडर दिया हुआ है। इसमें देखें, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारे पास 12 हैं, ये हमारे पास मंथ्स हैं। ठीक है, मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स हैं ये हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये हमारे पास मंथ्स हैं, हमने यहाँ से मंथ्स उठाने हैं और फिर उसके साथ डेट लिखनी है, आपके साथ रिलेशन क्या है उनका वो लिखना है, और उनके नेम लिखने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखें, ठीक है, यहाँ पे आप अपने मदर का नेम लिखें, यहाँ पे सिस्टर का लिखें, यहाँ पे ब्रदर का लिखें। ठीक है, असल में मैंने रिलेशंस को इधर ही लिख दिए क्योंकि मैंने नेम्स नहीं लिखे, आप लोग नेम्स लिखने चले बेशक, अली हो गया, आयशा, सिद्रा, अफनान। ठीक है, आपने इस रिलेशन को यहाँ लिख लें आप, ठीक है, क्योंकि मैंने नेम्स नहीं लिखे थे तो मैंने वहाँ पे रिलेशंस लिख लिए थे, यहाँ पे आप उसके रिलेशन लिखें। ठीक है, कि अली क्या है, आपके फादर हैं, आयशा कौन है, आपकी मदर हैं, सिद्रा कौन है, आपकी सिस्टर है, अफनान कौन है, आपके ब्रदर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे मंथ्स को देखते हैं, डेट और मंथ्स हमने देखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो फादर हैं उनकी डेट है 15 और मंथ है जनवरी। ठीक है, जनवरी के महीने में 15th डेट को वो पैदा हुए थे। ठीक है, उनकी बर्थडे कब है, 15th ऑफ जनवरी को। मदर की हम लोग लिख लेते हैं 20 फरवरी। ठीक है, सिस्टर की 10th मार्च, और ब्रदर की 5th दिसंबर। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है टंग ट्विस्टर का, लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल, कि कोशिश करें, सीखें कि जितना तेज़ी से आप बोल सकते हैं, एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।
अभी हमारे पास एक टंग ट्विस्टर की एक लाइन दी हुई है, इसको पढ़ते हैं। अ बिग ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक डॉग ऑन हिज बिग ब्लैक नोज। ठीक है, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब आप की जो इसको बोलने लग सकेंगे तो फिर इसको तेज़ से बोलते जाएं। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्ड यूनिट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।